आज पूरे हरियाणा के लगभग सभी जिलों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अंबाला में विद्यार्थी परिषद ने रोष मार्च निकालकर सरकार की नीतियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। विद्यार्थियों ने आज बढ़ी हुई फीस, ट्यूशन फीस के अतिरिक्त फीस न मांगे जाने को लेकर एक मांग पत्र भी प्रशासन को सौंपा और ये चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो आने वाली 3 तारीख को पंचकुला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अंबाला की सड़कों पर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सरकार के खिलाफ रोष मार्च निकाला। सरकार के फैसलों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए सड़कों पर उतरे छात्रों ने अंबाला शहर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक से लेकर उपायुक्त कार्यालय तक रोष मार्च निकाला और सरकार के नाम एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। विद्यार्थियों की मांग है कि स्कूल कॉलेज छात्रों से बढ़ी हुई ट्यूशन फीस न लें और ट्यूशन फीस के अतिरिक्त कोई भी फीस न ली जाए, क्योंकि महामारी के दौर में सभी की आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई है। विद्यार्थी परिषद ने आज सरकार को ये चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाली 3 तारीख को पंचकुला में छात्र बड़ा प्रदर्शन करेंगे। निर्वैर सिंह विभाग समिति सदस्य अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अंबाला, आज हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के 22 जिला केंद्रों पर एबीवीपी के आह्वान पर विद्यार्थियों को साथ लेकर आंदोलन किया है, जिसके अंदर हमारा एक 11 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसके अंदर हमारी पहली मांग है कि जो भी विद्यार्थियों से पिछले साल बढ़ाई हुई फीसें जिन जिन कॉलेजों के अंदर वापस नहीं की गई वो फीसें तुरंत प्रभाव से सरकार वापस करे। उसके बाद जो हमारी दूसरी मांग ये है कि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की अन्य कोई फीस ना ली जाए, जैसे ट्यूशन फीस के बिना कोई भी बिल्डिंग फंड या कोई भी ट्रांसपोर्ट का फंड किसी भी विद्यार्थी से ना लिया जाए, क्योंकि उसका उन्होंने उपयोग नहीं किया है। जो हमारी तीसरी मांग है कि जो ट्यूशन फीस सरकार के द्वारा लेनी है वो ट्यूशन फीस सरकार अभिभावकों से किश्तों के अंदर ले, ताकि विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं या विद्यार्थी हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ ना पड़े। जो चौथी हमारी मांग है वो ये है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों से के पेपर करवाने की सरकार ने या कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय ने गाइडलाइंस जारी की है, उसकी जो पूरी स्थितियां हैं उनको स्पष्ट किया जाए, ताकि विद्यार्थी किसी भी प्रकार की असमंजस की स्थिति में ना रहें और कंटेनमेंट जोन या रेड जोन में आने वाले विद्यार्थियों की आपके सरकार उनकी जो पेपर करवाने के लिए कोई ऐसी तरीके या तरीक अपनाई जाए ताकि उनका एग्ज़ाम भी सुचारू रूप से हो सके। इन सभी मांगों को लेकर हमने आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 3 तारीख को पंचकुला के अंदर हायर एजुकेशन का घेराव करेंगे और वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन कर विद्यार्थी परिषद हरियाणा सरकार से अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे।